कढ़ा किस तरह से बनते हैं आपको पहले हम ये दिखाना चाहते हैं। यह आप टीन की मोटी चादर देख रहे हैं, प्लेन चादर होती हैं ये, और इन प्लेन चादरों की कटिंग होती है और कटिंग करके इस तरह से ये गोल कढ़ाव बन प्लेन कढ़ाव बना लिया जाता है। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे कढ़ाव रखे हुए हैं अलग अलग साइजों में, अलग अलग मोटाई के, अलग अलग इंच के साइज कढ़ाव हैं। ये देश भर में यहाँ कढ़ाव जाते हैं, बहुत सारे कढ़ाव हैं आप देख रहे हैं। और इस कढ़ाव को जब हम गोल कटिंग में काट लेते हैं, ये बहुत सारे यहाँ कढ़ाव रखे हुए हैं और यह हाइड्रोलिक मशीन है कढ़ाव बनाने की। इसके नीचे आप ये देख रहे हैं ये गोल एक बना हुआ है, ये फर्मा बना हुआ है, लोहे का मजबूत फर्मा है। और इस मजबूत फर्मा पर भाई साहब आप देख रहे हैं कि यह एक कढ़ाव गोल बना हुआ है। और इस गोल कढ़ाव जो बना हुआ है इस पर यह गोल जो बिना गहरा कढ़ाव रख दिया जाता है, जैसे कढ़ाव इस पर रखा हुआ है आप देख रहे हैं, और यह हाइड्रोलिक मशीन है। और यह हाइड्रोलिक मशीन जब चलती है तो प्रेशर से इस कढ़ाव को गोल बना देती है। आगे देखेंगे आप किस तरह से हाइड्रोलिक मशीन बन रही है। और इस हाइड्रोलिक मशीन को चलाने के लिए आप ये देख रहे हैं जनरेटर है, ये बहुत भारी जनरेटर है। कितने किलोवाट का जनरेटर है भाई साहब? ये 125 केवी का जनरेटर है। अच्छा, ये जनरेटर आप देख रहे हैं जो कढ़ाव बनाता है, 125 केवी का जनरेटर है। एक जनरेटर और रखा हुआ है, एक एडवांस में जनरेटर रहता है। और इसको हम दिखाएंगे किस तरह से ये मशीन घूमती है और किस तरह से कढ़ाव बनाया जाता है, आप जरा अब देखेंगे आप पूरे। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफरवादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज यहाँ साहेपुर में हूँ, साहेपुर मुजफ्फरनगर जनपद का कस्बा है। और यहाँ देख रहे हैं यहाँ बड़े बड़े कढ़ा बनते हैं जिन्हें कढ़ाई कहा जाता है। गन्ने का के रस से चाहे गुड़ बनाने का काम हो या चीनी, किसी प्रकार की मिल में जो कढ़ाओं में विभिन्न प्रकार का सामान पकाया जाता है या तपाया जाता है, वो कढ़ाई इस मशीन पर बनते हैं। आप ये देख रहे हैं महालक्ष्मी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का यह कारखाना है और यह हाइड्रोलिक पावर सिस्टम से यहाँ कढ़ा बनते हैं। किस प्रकार कढ़ा बनते हैं आप देख रहे हैं, एक कढ़ा यहाँ रखा हुआ है इस मशीन में और ऊपर ये मशीन है हाइड्रोलिक तरीके से घूमती है। कैसे घूमती है हम आपको आगे भी दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कितने प्रकार के कढ़ा यहाँ रखे हुए हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के, किस कीमत पर यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, ये हम कढ़ा के जो इस गोदाम के मालिक हैं उनसे आपकी बात कराएंगे। देश भर के कोने में यहाँ से कढ़ा जाते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यापारी और छोटे से लेकर के बड़े कामगार लोग यहाँ से कढ़ा ले जाते हैं और अपने कामकाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। अब थोड़ी देर में हम इस आपके गोदाम के मालिक से आपकी बात कराएंगे कि किस प्रकार का कढ़ा है, किस कीमत पर यहाँ उपलब्ध हो जाता है और किस तरह से यह विभिन्न स्थानों पर डिलीवरी करा देते हैं। आप पूरी पड़ताल हमारे साथ देखते रहिए। जो साथी चैनल पर हमारे नए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें खेती किसानी से जुड़े और हर आम से लेकर खास व्यक्ति से जुड़े कामकाजी बाजार की पड़ताल रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ। जी भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव कुमार जी, आपकी फर्म का नाम महालक्ष्मी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज साहेपुर मुजफ्फरनगर है जी। तो आपके पास ये जो कढ़ा हम देख रहे हैं भाई साहब आपके गोदाम में जी, तो ये कितने, इसका गेज क्या होता है और कितने प्रकार के कढ़ा बनाते हैं आप ये बताइए आप? ये कढ़ाव जो बनते हैं 62 इंची डाया के बनते हैं जी, 68 इंची डाया के बनते हैं जी, 72 इंची डाया के बनते हैं और 80 इंची, 85 इंची, 90 इंची, 95 इंची, 100 इंची, 105 इंची डाय तक के कढ़ाव बनते हैं। अच्छा अच्छा, 105 इंची तक के आपके पास कढ़ा मिलते हैं जी। तो आपके कढ़ा बनाने का काम कब से हो रहा है आपके यहाँ भाई साहब? ये सन 2009 से हो रहा है जी। 2009 से हो रहा है। तो कहाँ कहाँ के लोग आपके पास यहाँ कढ़ा बनाने? पूरी इंडिया से लोग आते हैं। तो आप ये होम डिलीवरी उसको ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं? ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, अब हमें बताइए कि सबसे छोटा कढ़ाव जो आपका है वो किस, कौन सा साइज है? सबसे छोटा जी, सबसे छोटा कढ़ाव 62 इंची का होता है जी। अच्छा, 62 इंची का है। तो ये अच्छा, ये किस, कितने इंची का आपका? ये 72 इंची का है जी। ये 72 इंची का कढ़ाव है हम देख रहे हैं। तो ये 62 इंची की बात कर लें पहले, तो 62 इंची का कढ़ाव कितने पैसे में उपलब्ध हो जाएगा आपके पास यहाँ? इसका जो है तोल के हिसाब से होता है जी। अच्छा, कितना वजन होता है 62 इंची कढ़ाव में? इसमें 62 इंची कढ़ाव में लेकर 2 क्विंटल से 8 क्विंटल तक का कढ़ाव होता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 क्विंटल का भी होता है, 3 का भी होता है। 2 क्विंटल का क्या कीमत है मानो कम से कम भाई? 2 क्विंटल का ये वेट के हिसाब से आता है जी। इसका जो है रेट जो होता है वो समय के अनुसार होता है, रोज डेली अपडेट होता है, लोहे का भाव गिरता रहता है। हाँ जी। फिर जैसे आज की तारीख बात कर लें हम जी, आज तारीख है 31 आपकी जो है जनवरी है, तो आज की तारीख में जो 62 इंची का कढ़ाव है और 2 क्विंटल का है, कितने पैसे में उपलब्ध हो सकता है? ये इस समय हो सकता है जी आपको 62 रुपए केजी पर केजी से। अच्छा, पर केजी से जी। अच्छा अच्छा,
और जितने बड़े से बड़ा कढ़ाव जो आपका कितने? वो 105 इंची का भी होता है, 100 इंची का भी होता है, 90 का भी होता है। अच्छा, ये जैसे ये कढ़ाव रखे हैं 95 इंची के हैं। अच्छा, ये जो कढ़ाव आपके रखे हैं, हम देख रहे हैं, ये 95 इंची के हैं। हाँ जी। तो ये कितना, इसकी वजन कितना होगा भाई साहब इस कढ़ाव में आपका? इसका वजन जो है जी, किसी में 8 क्विंटल है, किसी में 12 क्विंटल है, किसी में 15 क्विंटल है। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी में 6 क्विंटल है। आज की तारीख में 62 रुपए किलो के हिसाब से जी जी आप लेते हैं जी। अच्छा, और कढ़ाव के अलावा आपके पास क्या क्या सामान उपलब्ध हम देख रहे हैं? कढ़ाव के अलावा हमारे पास कोल्हू उपलब्ध होते हैं। अच्छा, कोल्हू भी उपलब्ध होते हैं जी। एक्सपेलर भी रखते हैं? नहीं, एक्सपेलर नहीं रखते हैं, क्रेशर रखते हैं जिनसे गन्ना से जूस निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये आइसर के इंजन जो है? हाँ, आइसर के इंजन भी रखते हैं। अच्छा, आइसर के इंजन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम आपसे। आपका हम जो ये आइसर इंजन देख रहे हैं, ये सादा है या एनसी है? ये सादा है जी। सादा है तो ये कौन सा मॉडल होगा जी आपका? कम से कम ये मॉडल होगा जी 78 मॉडल है जी। अच्छा, 78, काफी पुराना मॉडल है। हाँ जी। तो ये कितने पैसे में उपलब्ध हो सकता है ग्राहक को कम से कम में? ये 21,000 में उपलब्ध होता है जी। अच्छा अच्छा। कंप्लीट तैयार, तैयार करके आप देंगे जी। और ये जो अगला जो हम देख रहे हैं आपका, ये जो? हाँ जी, वो 81 मॉडल है जी। जी 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 जी। वो कितने पैसे में उपलब्ध हो सकता है? वो 23,000 रुपए में। अच्छा, वो 23,000 में है। अच्छा, ये आपका ये देख रहे हैं हम, ये पूरा काला हो रखा है आपका, इसमें शायद लीकेज कर रहा है, ये कौन सा मॉडल होगा आपका? ये 78 मॉडल है जी। खटपट मत करना, ये सादा है ये भी आपका इंजन? हाँ, सब सादा है। तो ये कितने पैसे में उपलब्ध हो सकता है? ये 21,000 रुपये में होता है ये। अच्छा, 21,000 में होता है। हाँ जी। और आपके इधर सारे बहुत सारे हम देख रहे हैं भाई साहब, ये जो आइसर इंजन है आपके जी। और इनमें कुछ में पुली वगैरह लगी हुई है, कुछ में हाँ पुली नहीं लगी हुई है, तो पुली पैर पुली सब लगा के देते हैं, फिट करके देते हैं। पैर पुली लगा के देंगे आप, स्टार्ट करके देंगे, है ना जी? जी। अच्छा, तो सादा जो इंजन है आपके पास आइसर, वो जो है 80 के मॉडल के आसपास का? हाँ, 80-85, 80-90 के बीच का आते हैं। 80-90 के बीच का आप 21,000 रुपए का उपलब्ध हो सकता है। अच्छा, एनसी भी इंजन रखते हैं आप इसमें? एनसी इंजन नहीं रखते। अच्छा, एनसी इंजन नहीं रखते हैं। तो भाई साहब, आपका जो फर्म का नाम महालक्ष्मी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, तो आपका नाम, मोबाइल नंबर बता दीजिए हमें। मोबाइल नंबर 97-190-41-892। 97-190-41-892 नंबर है ये मेरा नंबर है। बड़े भैया का नंबर है 93-586 जी 11-666। अच्छा अच्छा। तो ये आपके जो भाई साहब इंजन होते हैं, इनका कुछ पर्ची वर्ची देते हैं ग्राहक को, या जैसे आप मिस्त्री काम कर रहा है आपका इस इंजन पर? हाँ, तो ये कंप्लीट करा के देते हैं, इसकी गारंटी वारंटी होती है कुछ इंजन की आपके की? नहीं, गारंटी जो है जी एक बार चलाने की होती है, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा, क्योंकि मशीन खराब होते का टाइम लगता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब भाई साहब, आपके पास जो है कोल्हू रखते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, कोल्हू बाहर रखे हैं आपके? हाँ जी। अच्छा अच्छा, देखते हैं। ये जो कढ़ा हम देख रहे हैं यहाँ, सैकड़ों के हजारों की तादाद में कढ़ा आपके पास हैं, और उधर दूसरी तरफ भी आपका ये गोदाम है, और एक दो लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ, काफी बड़ा काम है। तो ये कढ़ाव जो है, ये कहाँ कहाँ बनते हैं देश में? ये मुजफ्फरनगर में शाहपुर में बनते हैं जी। जी। और बागपत जिले में बड़ौत में बनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये बड़ा काम यही है, देश भर में यहाँ से कढ़ा बन जाते हैं? हाँ जी हाँ। पाइप लगाओ, पाइप भारी लिया बस, यही बिजली से भी चला देते होंगे? नहीं, सबको नहीं आएगा जी। क्या क्या कीमत?
तो भाइयों यह थी सायपुर मुजफ्फरनगर के कढ़ा कारखाने की वीडियो। आगे हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे उनमें शाहपुर मुजफ्फरनगर के जनरेटर बाजार की पड़ताल और उसके साथ साथ चक्की स्पेलर और क्रेशर चलाने के लिए विभिन्न कंपनियों के नामी ग्रामी कंपनियों के मार्का इंजन की वीडियो दिखाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें। जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया निवेदन है उन साथियों से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें खेती किसानी सहित हर आम और खास व्यक्ति से जुड़े कामकाजी बाजार की पड़ताल। रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ नमस्कार।